नमस्ते दोस्तों, मैं मनीषा रोहिला स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सुनने में ये आपको बहुत सारी बेसिक सी चीज़ें लगेंगी, लेकिन अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया तो ये चीज़ें इतना गंभीर रूप ले लेती हैं कि आगे एबनॉर्मलिटी तक के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनना है और उनको फॉलो भी करना है। तो आइए, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो ये प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है, ये किसी रोलर कॉस्टिंग से कम नहीं होता है। एक प्रेग्नेंट लेडी को सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट काम है उसका, अपने आप को स्ट्रेस से बचाना। ये एक सुनने में एक सिर्फ छोटा सा वर्ड है स्ट्रेस, लेकिन ये इतना ज़्यादा घातक होता है कि ये अगर इसको नहीं टाइम पे सही किया गया तो कुछ और ही अलग रूप ले लेता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि अगर एक नॉर्मल इंसान है और वो किसी भी तरह का स्ट्रेस ले लेता है, कई बार वो स्ट्रेस इतने लेवल का बढ़ जाता है कि एक नॉर्मल इंसान भी क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। तो आप ये सोचिए कि एक प्रेग्नेंट लेडी जिसके अंदर एक नन्ही सी जान भी पल रही है, आप जो भी चीज़ सोचते हैं, जो भी चीज़ आप महसूस करते हैं, वही सेम चीज़ आपके जरिए आपका बच्चा महसूस करता है। अगर आप बहुत खुश होते हैं तो आपके अंदर जो बच्चा है वो भी उस चीज़ के इमोशन को समझता है। आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो वो भी उस चीज़ को समझता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते, तनाव महसूस करते हैं, तो वो लेडी के अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस करते हैं, और वो जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उसका इफेक्ट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप कह सकते हो कि बेबी के ऊपर पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ वो आपके नज़रिए से ही अंदर वो कर रहा है। तो आपको अपने आप को स्ट्रेस से बचाना है, क्योंकि ये स्ट्रेस इतना ज़्यादा अगर रूप बड़ा ले लेता है तो उससे आगे जाके आपके बच्चे में एबनॉर्मलिटी के चांसेस बन सकते हैं। तो अपने आप को आपको हर तरह से बचाना है स्ट्रेस से। आप ये भूल जाइए आपके आसपास कुछ है। इन 9 महीनों में सिर्फ आप अपने बारे में और अपने बच्चे के बारे में सोचिए कि आपको किस तरह से कैसे काम करना है और आपने अपने आप को कैसे हेल्दी बनाना है। सेकंड नंबर पे जो आता है कि खूब फल और सब्जियां खाएं, जितना ज़्यादा हो सकता है कि आप अपनी डाइट को हेल्दी ही रखें। वैसे जो स्टार्टिंग के जो मंथ होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि किसी को 3 या 4 महीने ही परेशानी होती है, उस टाइम पे उनका जी मिचलाता रहता है, तो कुछ खट्टा मीठा या कुछ चीज़ अपने पास रख सकते हैं जिससे आपको वॉमिटिंग ना हो। लेकिन कईयों का ऐसा होता है जिसको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक क्या होती है, वॉमिटिंग ही होती रहती है। तो जिस चीज़ का आपका मन करे, जिससे थोड़ा सा आपका मन ठीक हो जाए, वो चीज़ें आप अपने पास रखिए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप अपनी डाइट को हेल्दी ही रखिए। खूब फल और सब्जियाँ जितना खा सकते हो आप वो खाइए, उससे आपका जो क्या है शरीर भी ठीक रहेगा और आपके बच्चे को भी हेल्दी डाइट मिलती रहेगी। तीसरे नंबर पे आता है आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। एक पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखिए और आपको पानी थोड़ी थोड़ी देर में पीते ही रहना है, प्यास लगे तब भी और नहीं लगे तब भी। उसके अलावा आप अपने पास जूस, कोई शेक, खीरा, ककड़ी, टमाटर, ऐसी आप चीज़ें रखिए जिससे आपको पानी की मात्रा मिलती रहे। इसमें आपके शरीर के अंदर पानी की कमी भी नहीं होगी और बच्चे को भी वो सारी चीज़ें मिलती ही रहेगी। आप तरबूज, खरबूजा और नारियल पानी जैसे भी चीज़ पी सकते हैं। नारियल पानी तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, जितना आप पी सकते हैं वो आप ज़रूर पिएगा। उसके अलावा जो नेक्स्ट आता है वो आता है आप डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ करें, जैसे दही हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया। लेकिन जो ये स्टार्टिंग के 4 से 5 महीने होते हैं, इसमें आपको घी थोड़ा सा कम यूज़ करना है, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि घी में थोड़ा सा फैट होता है, तो ये बाद में आपको चिकनाई देते हैं जिससे आपकी डिलीवरी होने में आसानी होती है, तो ये बाद के टाइम में ज़्यादा लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे आती है दोस्तों कि आपको मन मुताबिक आपको दवाइयाँ नहीं लेनी है। मतलब अगर आपको कुछ थोड़ा सा फीवर हो जाता है, कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी दवाई ले लेते हैं, तो प्रेगनेंसी टाइम में इस चीज़ को इग्नोर करना है। बिना किसी डॉक्टर की सलाह के आपको कोई भी दवाई अपने आप से नहीं लेनी है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उनसे उस बारे में पूछना है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में हर लेडीज के साथ अलग अलग तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं। कई तो इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, बहुत तरह का काम करने लग जाती है, और कई इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा लेजी महसूस करती हैं, आलस उनको बहुत ज़्यादा आता है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, तो आपको पूरी मात्रा में, भरपूर मात्रा में बल्कि नींद लेनी है। और जब भी आपको आराम करने का महसूस हो तो आपको ज़रूर आराम करना है,
क्योंकि अगर आपकी जो बॉडी है वो थकी थकी रहेगी तो आप अंदर से उस चीज़ को टायर्ड ही फील करते रहोगे और आपका किसी भी तरह उसमें मन नहीं लगेगा और आपका मन क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको भरपूर मात्रा में आराम करना है जितना आपका मन करे। प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में आप स्विमिंग कर सकते हैं। स्विमिंग बहुत अच्छा एक सोर्स है प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में अपना, आप इस टाइम पीरियड को इंजॉय भी कर सकती है और दूसरा ये आपके हेल्दी रूटीन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़ आप लेग लिफ्टिंग भी कर सकते हैं। आप सीधे लेट जाइए पीठ के बल और आप अपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ, दोनों पैरों को उठा के आप ऊपर की तरफ और फिर धीरे से उसको नीचे की तरफ कुछ टाइम पीरियड तक, 2-3 मिनट तक अगर आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा। तो लेग लिफ्टिंग और स्विमिंग आपके लिए बहुत ही अच्छे व्यायाम है प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में। दोस्तों आपको कुछ चीज़ों का परहेज भी करना होता है, जैसे पपीता हो गया, चीकू हो गया, अनानास हो गया, कच्चा मांस हो गया, अंडे की जर्दी हो गई, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में नहीं खाते हैं और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, तो इन चीज़ों से आपको परहेज करना है। दोस्तों आपको प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में आयरन, फोलिक एसिड और कैल्शियम वाली दवाइयाँ मिलती हैं। बहुत सी लेडीज़ क्या करती हैं, उन दवाइयों को नहीं यूज़ करती हैं, बिल्कुल भी नहीं खाती हैं और बहुत सी लेडीज़ उन दवाइयों को खाती हैं। तो जो ये दवाइयाँ हैं ये बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, क्योंकि जो ये आयरन और फोलिक एसिड की और कैल्शियम की जो दवाइयाँ होती हैं ये बच्चे के बैकबोन का निर्माण करती हैं और अगर इन दवाइयों से उन बच्चे का क्या होता है, पोषण होने लगता है। लेकिन अगर आप उन दवाई को यूज़ नहीं करते हैं तो वो सारी चीज़ें बच्चे को चाहिए होती हैं तो वो आपकी बॉडी से खींचना स्टार्ट कर देता है, तो आपको अपने अंदर से वीकनेस और टायर्डनेस महसूस होने लगती है। तो आपको ये दवाइयाँ बिल्कुल 9 मंथ तक, जब तक आपको डॉक्टर देता रहे, आपको बिल्कुल खानी है, बल्कि इन दवाइयों को आप प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड के बाद भी खा सकते हैं। ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और नेक्स्ट जो आपका है कि आपको अपने 9 मंथ के टाइम पे बिल्कुल अलर्ट रहना है, जो भी आपको सिम्टम्स लगे अपने डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट में रहें, आप हर टाइम टू टाइम अपनी चीज़ों को अपडेट करते रहें। तो ये थी आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड काफ़ी बातें जो आपको ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और अगर इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता है तो प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है वो तो कॉम्प्लिकेटेड होता ही होता है, आगे आने वाले बच्चे के लिए भी क्या होता है, मुसीबत पैदा कर देता है और सबसे ज़्यादा मुसीबत आपके लिए पैदा हो जाती है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा कम हो रही होती है और अलग तरह के हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। तो ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे साथ आप बने रहें और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप मेरे से क्वेश्चन में पूछ सकते हैं और मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।